स्टूडेंट्स वेलकम इन अवर चैनल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू थैंक टू देम हुएवर हैज सब्सक्राइब्ड अवर चैनल एंड लाइक्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कुड। हाउ कैन वी यूज कुड इन सेंटेंसेस, सो लेट्स सी। कुड का जो यूज होता है हिंदी में सका सकी सके अगर वाक्य में आ जाता है या फिर वाक्य में सकता था सकती थी सकते थे आ जाता है तब हम वहां पर कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुड का जो हम यूज करते हैं वो एबिलिटी कैपेसिटी पॉसिबिलिटी परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। इसका कुड का यूज करते हैं। कुड जो होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर जिन्हें नहीं पता है तो वो अच्छे से सुने वीडियो को, थोड़ा सा भी स्किप ना करें वरना कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस जरूर हो जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ठीक है। कैन का पास्ट होता है कुड। कैन किस लिए यूज करते हैं हम? कैन का जो हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। लेकिन कैन की कंडीशन कभी कभी पास्ट में आ जाती है, कभी कभी हमें एबिलिटी कैपेसिटी बताना होता है पास्ट में, तब हम वहां कैन का तो यूज कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कैन किस लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे मैं गाना गा सकता हूं तो आई कैन सिंग अ सॉन्ग, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में बोलना है कि मैं गाना गा सकता था बट नहीं गा पाता कारणवश, ठीक है ना, तो मुझे क्या बोलना होगा वहां पर? मुझे बोलना होगा आई कुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो कैन यूज करते हैं हम प्रेजेंट के लिए, और कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड होता है। जहां जहां कैन यूज होता है वहां हम कुड यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां? सिर्फ पास्ट में, प्रेजेंट में, तो हमें कैन का ही यूज करना होगा, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का वो होता है सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ जाता है। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, जब मैं युवा था, ठीक है ना, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, ठीक है। तो ये जब मैं युवा था ये तो बात होगी पास्ट की, तो हमने यहां पर लिखा व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है ना, मैं तेज दौड़ सकता था। देखिए सेंटेंस के हिंदी में क्या आ गया है? सकता था, या सका सकी सका सके भी आ जाए तो भी आपको कुड का ही यूज करना है। क्या हो जाएगा? मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन सो फास्ट, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन सो फास्ट, ठीक है ना। मैंने बताया ये फास्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई टोल्ड, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। फिर से देखिए यहां पर क्या आ गया? सकता था आ गया। क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट ओपन द डोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे वे मैच नहीं जीत सकते थे, क्या होगा सेंटेंस? दे कुड नॉट विन द मैच, ठीक है ना। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता था, आई कुड नॉट टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे बोल रहे हैं कि वह पार्टी में आ सकता था, ही कुड कम इन पार्टी, लेकिन नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कुड का जो हम यूज करते हैं इंटरगेटिव में, सबसे पहले कुड आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर कुड पास्ट के लिए नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में हमें क्या करनी है? रिक्वेस्ट करनी या फिर कोई अपील करनी है, तो उसके लिए हमें यूज करना है कुड का। लेकिन कुड किसके लिए यूज होता है इंटरगेटिव में? ये होता है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए नहीं होगा यहाँ पर। किसके लिए यूज होगा? प्रेजेंट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है इंटरगेटिव का पॉइंट, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? देखिए सकते हैं आ गया। क्या हो जाएगा? जब आप किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तब आप वहां पर रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए इंटरगेटिव। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? क्या हो जाएगा? कुड यू टेल मी द टाइम, ठीक है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कुड आई नो योर नेम, ठीक है ना। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू यू, या फिर कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू, ठीक है। इस तरीके से आप कुड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए, किसमें? इंटरगेटिव में, ओके। पोलाइट रिक्वेस्ट जब जहां पर नहीं। अब बात करते हैं एबल टू। देखिए कैन में जिस तरीके से हम एबल टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हम कुड के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, एबल टू का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुड से बोर हो गए, अगर कुड के स्थान पर आपको कुछ और यूज करना है, तो जस्ट यूज देयर एबल टू, ओके। तो एबल टू आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे कैसे यूज करना है अब हम ये देख लेते हैं। कुड का जो
यूज होता है, ठीक है, उसके जगह आप एबल टू लगा दीजिए। लेकिन कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें आप, वॉज और वर्ब का यूज करिए। वॉज वर्ब हमने क्यों लिखा, ताकि हम बता सके कि वाक्य जो है वो पास्ट का है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हमने क्या किया था, एबल टू के सामने इज रिमार्क लगाया था, ठीक वैसे ही हमें किसका यूज करना होगा, कुड के लिए। अगर आप एबल टू यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वॉज और वर्ब का यूज करना होगा टेंस बताने के लिए। वॉज वर्ब एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस, वे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। देखिए यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या करना होता है, हमें नॉट का यूज करना होता है, और नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, याद रखना है आपको, ठीक है। वे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट, हमने किसके साथ नॉट लगाया, हेल्पिंग वर्ब के साथ, दे वर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, वह नहीं चल सकता था, फिर से नहीं आ गया है सेंटेंस में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब वो चलने की कंडीशन में नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य में अगर सकता था, सकती थी आ जाए, और कुड का यूज नहीं करना है तो आप वहां पर यूज कर दीजिए इसका एबल टू का, और अगर कुड का यूज करना है सेंटेंस के अंदर, वह नहीं चल सकता था तो ही कुड नॉट वॉक हो जाता, वे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे तो दे कुड नॉट टॉक इन इंग्लिश हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुड का यूज और एबल टू का यूज अब आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वर्ब, ठीक है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते थे, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस आप लोगों को इन्हें ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।